शीतला तालाब सुपेला में डूब जाने से इंदिरा नगर सुपेला निवासी प्रकाश चौहान नामक युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ नाव में बैठा हुआ था। इस दौरान नाव की असंतुलित हो जाने पर वह तालाब में गिर गया और डूब जाने से उसकी मौत हो गई। शीतला तालाब सुपेला में हुए एक हादसे में इंदिरा नगर निवासी युवक प्रकाश चौहान की तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक प्रकाश चौहान अपने दोस्तों के साथ नाव में सवार था। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वह तालाब में गिर गया, जिसके बाद डूबने से उसकी मौत हो गई। प्रकाश के दोस्तों को तैरना आता था, उसकी वजह से वे तैरकर तालाब के किनारे पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही तालाब किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय गोताखोरों द्वारा तालाब में डूबे युवक को खोज निकालने काफ़ी जद्दोजहद की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगने पर दुर्ग से SDRF की टीम को बुलाया गया। इसमें शामिल गोताखोरों ने तालाब में डूबे प्रकाश की तलाश की और सोमवार शाम प्रकाश के शव को तालाब से बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय पार्षद और MIC मेंबर केशव चौबे मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। युवक के तालाब में डूबने की जानकारी मिलते ही सुपेला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इस घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत है। युवक के तालाब में डूबने की जानकारी लगते ही इंदिरा नगर में मातम छा गया। पार्षद और MIC मेंबर केशव चौबे ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुझे जैसे सूचना मिली कि श्री शीतला तालाब सुपेला में एक 17 वर्षीय प्रकाश चौहान का पानी में डूबने से मौत हो गई है, मैं उसके लिए गहरा दुख मुझे हुआ, संवेदना उसके परिवार के लिए मैं करता हूँ। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन भी करूँगा, कुछ गरीब पीड़ित परिवार को कुछ सहायता राशि प्रदान किया जाए ताकि उनका भरण पोषण करने में सहायता प्राप्त हो सके। निगम प्रशासन द्वारा तालाब के शीतला गेट के तरफ एक बोर्ड भी अपील की गई थी कि वहाँ गहरीकरण हो चुका है, तालाब के नज़दीक ना जाएं और वह पानी गहरे गहरे पानी में ना उतरें, इसके लिए सावधानी बरतें, यह निगम प्रशासन से बार बार अपील की जा रही है। इसके द्वारा कलेक्टर महोदय से, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय से, निगम के महापौर श्री नीरज पाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि तत्काल सहायता राशि पीड़ित परिवार को प्राप्त हो सके। गौरतलब है कि शीतला तालाब का गहरीकरण होने के उपरांत तालाब में पानी भरा हुआ है, बावजूद इसके युवक तालाब में जाकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस तरह की घटना के पुनरावृत्ति रोकने जिला और निगम प्रशासन को तत्काल ठोस पहल किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।